हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फेवो मोटोवर्ट। आज हम बात करने वाले हैं यमा की FZX, जो कि फुल मेटल बॉडी में आती है। पहली एक ऐसी बाइक है जो आपको फुल मेटल बॉडी में देखने को मिलती है। तो चलिए इसके स्पेक्स जानते हैं और पूरा वॉकअराउंड और डिटेल रिव्यू है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। अगर दोस्तों आपको 150cc के सेगमेंट में एक थोड़ा सा क्रूजर का थोड़ा सा फील चाहिए, तो आपके लिए एक यमा FZX एक बेटर ऑप्शन है दोस्तों। और ये मेटल बॉडी में आती है, जो इसके साइड पैनल से बस वो आपको फाइबर बॉडी में देखते हैं। मडगार्ड, टैंक सब मेटल बॉडी में देखने को मिल जाता है। बाकी अगर दोस्तों हम इसके साइड पर बात करें, तो इसमें आपको गोल्डन कलर के रिम मिल जाते हैं, जैसा कि ये डार्क मैट ब्लू FZX का टॉप मॉडल है। यहाँ पे FZX की ब्रांडिंग मिल जाती है, जो कि क्रोम फिनिशिंग के साथ दी गई है। टैंक आपको मेटल बॉडी में मिल जाता है, 10 से 12 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। नीचे पैनल पर आपको यमहा का लोगो मिल जाता है दोस्तों। और टैंक पर आप देखेंगे तो ये प्लास्टिक वाला पार्ट है जो लंकी बोल्ट से टाइट हुआ है, काफ़ी अच्छा लगता है। E20 वाला 2023 का, इस साल का सबसे लेटेस्ट मॉडल है दोस्तों ये। और यहाँ पर आप ये पार्टिकल्स देख पा रहे हैं, मैट के बावजूद होने के ये थोड़ा सा मेटेलिक शाइन आपको दे देता है। की पॉइंट आपको टैंक पर मिल जाता है, हैंडल पर की पॉइंट नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको यमहा की चाबी मिल जाती है, वेव की नहीं मिलती है। बाकी मीटर और डिस्प्ले की अगर हम बात करें, तो इसमें आपको यहाँ पे RPM मीटर मिल जाता है, इको पावर की इंडिकेटर मिल जाते हैं, बाकी ओडोमीटर मिल जाता है दोस्तों। यहाँ पे आपको ABS इंडिकेटर, इंजन माल फंक्शन, ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे न्यूट्रल की लाइट, हाई बीम और इंडिकेटर मिल जाता है, डिजिटल फ्यूल गॉज, ओडोमीटर डिजिटल दिया गया है दोस्तों। यहाँ पे Trip 1 मिल जाता है, Trip 2, और यहाँ पे आपको डिजिटल क्लॉक मिल जाती है, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ का ऑप्शन मिल जाता है। बाकी दोस्तों इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिल जाती है। बाकी यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आपको कॉल, SMS, मिस कॉल अलर्ट, ये सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे हेडलाइट का बटन मिल जाता है दोस्तों आपको, और यहाँ पे अपर डिपर पासिंग का बटन यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, देख सकते हैं। पासिंग की लाइट काफ़ी अच्छी है, थ्रू आउट भी काफ़ी बेटर है इसका। और यहाँ पे अगर हम चलें, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है रेड कलर का इंजन सेल्फ, और नीचे आपको सेल्फ का। चलिए सबसे पहले हम लोग बाइक की आवाज़ सुनते हैं दोस्तों। यह है इसके इंजन की आवाज। दोस्तों इंजन को मैं कर देता हूँ बंद और यहाँ पे चलते हैं। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 149cc का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक BS6 FI इंजन। ये इंजन मैक्सिमम पावर 12.9 PS के जनरेट करता है 7,350 RPM पर, 13.3 Nm का टॉर्क 5,500 RPM पर जनरेट करता है। यहाँ पे ब्रेक का लीवर, एडजस्टेबल फुटपैक्स मिल जाते हैं दोस्तों। बाकी 165mm के ग्राउंड क्लियरेंस, ऑक्सीजन सेंसर, कैटलिटिक कन्वर्टर, इंजन के ऊपर इंजन गार्ड आपको जो मिलता है वो भी आपको मेटल बॉडी में देखने को मिलता है। पैनल पर आपको यमहा का स्टीकर मिल जाता है दोस्तों। पीछे आपको एडजस्टेबल फुटपैक्स मिल जाते हैं, थोड़े छोटे से दिए गए हैं। मफलर मिल जाता है ब्लैक मैट में। यहाँ पर ब्रेक का ऑयल मिल जाता है। बाकी यहाँ पे थोड़ी सी 12 क्रेडल वाली चेचिस मिल जाती है आपको। और यहाँ पे अगर हम बैक प्रोफाइल की तरफ चलें, फ्रंट से तो काफ़ी बल्कि है ही है ये, बैक प्रोफाइल की तरफ चलें तो यहाँ पे आपको LED टेल लाइट मिल जाती है, और LED टाइप के टर्न सिग्नल्स मिल जाते हैं, हेलोजन लाइट मिल जाती है आपको नंबर प्लेट के ऊपर, और यहाँ पे दोनों तरफ रिफ्लेक्टर आ जाते हैं दोस्तों, और यहाँ पे टायर हगर आ जाता है। बाकी आगे की तरफ देखें तो यहाँ पे आपको 220mm के डिस्क ब्रेक मिल जाती है निफिन के कैलिपर के साथ। एग्जॉस्ट का डिज़ाइन आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है दोस्तों। टायर साइज़ की बात करें तो 140/60R17 रेडियल ट्यूबलेस टायर दिया गया है दोस्तों, ब्लॉक पैटर्न में, जो कि आपको स्किट और फिसलने की थोड़ी सी टेंशन आपको कम हो जाती है। और यहाँ पे मड फ्लैप दिया गया है। बाकी आगे 7-स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक नाइट्रॉक्स टाइप का सस्पेंशन दिया गया है। पीछे से ब्रेक प्रोफाइल कुछ इस तरीके से देखने में लगती है दोस्तों। बाकी यहाँ पर अगर आप देखोगे बाइक को, तो टैंक से लेकर हैंडल तक आपको काफ़ी बल्की देखने में लगती है, बट इतनी बल्की देखने में लगती है जो इसकी टैंक कैपेसिटी है वो 10 ही लीटर दी गई है। पता नहीं क्यों, थोड़ी सी कैपेसिटी बढ़ा देनी चाहिए। यहाँ पर आपको LED DRLs मिल जाती, यहाँ पे मीटर मिल जाता है दोस्तों, और बीच में आपको प्रोजेक्टर का सेटअप देखने को मिल जाता है। यही प्रोजेक्टर आपको R15 V4 में भी देखने को मिल जाता है दोस्तों। क्योंकि मैं पहले बाइक को स्टार्ट कर लेता, फिर आपको लाइट को चेकआउट कराता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, एक ही प्रोजेक्टर में आपको हाई और लो बीम देखने को मिल जाएगी, और काफ़ी ऐसा नहीं कि लाइट जो है वो काफ़ी कम है, लाइट अच्छी है, बट थोड़ा सा आगे का लुक थोड़ा सा मतलब ओल्ड टाइप वाला लगता है, बट ठीक है, उतनी बुरी गाड़ी नहीं है, बढ़िया है।
और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको साइड में थ्री पीस में DRLs मिल जाते हैं जो कि काफ़ी अच्छे देखने में लगते हैं, विजिबल भी काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पे आपको हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट मिल जाती है और आगे आपको रबर गटर मिल जाता है जिससे कि बाइक जो है थोड़ा सा वो रेट्रो का फील आपको मिल जाता है। 282 mm के डिस्क ब्रेक, सिंगल चैनल ABS मिल जाता है फ्रंट में दोस्तों, LED टाइप के टर्न सिग्नल्स मिल जाते हैं, सिंगल हॉर्न आ जाता है इसमें, गोल्डन कलर के रिम मिल जाते हैं और यहाँ पे आपको बाइब्रेक के कैलिपर देखने का मिल जाएगा, पीछे आपको निफिन के कैलिपर मिल जाते हैं। और अगर हम फ्रंट टायर साइज़ की बात करें तो इसमें आपको 180/17 का टायर मिल जाता है जो कि 17 इंच के गोल्डन कलर के अलॉय व्हील के साथ आता है। यहाँ पे आपको मडगार्ड जो है पूरा मेटल बॉडी में देखने को मिलेगा और बिल्ड क्वालिटी की तो पूछे मत, काफ़ी तगड़ी रहने वाली है। और यहाँ पे आपको जो है ये एयर कोल्ड इंजन है दोस्तों, ऑयल कोल्ड भी नहीं है। यहाँ पे आपको ये पार्ट जो है ये पूरा मेटल बॉडी में देखने को मिलता है, ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी क्योंकि इंजन गार्ड बहुत ही गाड़ियों में जो है मेटल बॉडी में देखने को मिलते हैं, हर गाड़ी में आपको फाइबर बॉडी में देखने को मिल जाएगा। बाकी सीट कम्फर्ट की बात करें तो सीट कम्फर्ट आपको काफ़ी बेहतर देखने में मिलने वाली है, लॉन्ग ट्रैवल भी आप करते हैं तो कोई इशू नहीं आने वाला है दोस्तों। 810 mm की सीट हाइट मिल जाती है। बाकी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ओपन चैन सेट कवर दिया गया है और वो मटफ्लैप के साथ अटैच दिया गया है। बाकी यहाँ पे साइड स्टैंड के ऊपर इंजन कट ऑफ का सेंसर मेन स्टैंड इस बाइक में आपको देखने को मिल जाएगा। 5 गियर गाड़ी में देखने को मिलते हैं। बाकी यहाँ का लोगो FZX की ब्रांडिंग मिल जाती है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लेडी पिलियन की सेफ्टी के लिए साड़ी गार्ड मिल जाता है। बाकी चैन सेट कवर दिया गया है तो आप जानते ही हैं काफ़ी अच्छी चीज़ है। और यहाँ पे अगर चलते हैं हम इसके थोड़ी सेफ्टी रेटिंग्स की बात करते हैं, जैसा कि अभी देख सकते हैं आपकी गाड़ी का साइड स्टैंड डाउन है, यहाँ पे देखिए साइड स्टैंड डाउन है। मैं गाड़ी को स्टार्ट कर लेता हूँ, तो गाड़ी को मैंने स्टार्ट कर लिया और जैसे ही देखिए मैं गियर को प्रेस करता हूँ वैसे इसका इंजन कट ऑफ हो जाता है, बंद हो जाता है। तो ये सारे सेफ्टी फीचर्स अब देने लगे हैं बाइकों में तो काफ़ी अच्छी चीज़ है दोस्तों। और बाकी अगर आपको बाइक चाहिए तो पर्सनल यूज़ के लिए काफ़ी अच्छी बाइक है, कोई इशू नहीं है इसमें। तो दोस्तों अगर बात करते हैं इस गाड़ी के प्राइस की तो यामाहा FZX टॉप मॉडल डार्क मैट ब्लू एडिशन की एक्स शोरूम प्राइस है लखनऊ में 1,36,900 रुपये और इसकी ऑन रोड प्राइस है 1,63,167 रुपये, जो कि मैंने आपको बताई है स्टार यामाहा आलमबाग लखनऊ की। शोरूम का एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, शोरूम की फ़ोटो मैं वीडियो में लगा दूंगा दोस्तों। यहाँ पे आपको यामाहा की सारी बाइक्स अवेलेबल मिल जाएंगी और एक चीज़ मैं आपको ये भी बता दूँ, फेस्टिव कैशबैक चल रहा है यामाहा FZ वर्जन 4 पर, 3,000 रुपये तक का कैशबैक है। अगर आप गाड़ी परचेस करते हैं तो 3,000 का कैशबैक आपको मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें।